Like this video, subscribe to our channel and press on the bell icon to be notified latest videos updates. Hey guys, welcome back to another new video. My name is Mansoor Beg and you are watching Kind Ride Services. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऊबर ड्राइवर अकाउंट कैसे डिलीट करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाएंगे और आपको बताएंगे कि ऊबर का ड्राइवर अकाउंट कैसे डिलीट करें। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक मोबाइल स्क्रीन ऑन हो गया होगा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा डिलीट करें। तो ठीक है, वीडियो को एंड तक वॉच करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर है और आपको यहाँ पर अपना वर्ल्ड का ड्राइवर ऐप ओपन कर लेना है। फिर आपको ऊपर लेफ्ट साइड में थ्री लाइन दिखेगा, उसके ऊपर प्रेस करना है। फिर यहाँ पर अकाउंट्स के ऑप्शन पर आपको प्रेस करना रहेगा। ठीक है, अकाउंट्स के ऑप्शन पर प्रेस करने के बाद में हेल्प में क्लिक करिए। ठीक है, हेल्प में प्रेस करने के बाद में आपको अकाउंट एंड ऐप का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, जो थर्ड वन जो ऑप्शन है, ठीक है, अकाउंट्स एंड ऐप का ऑप्शन पे आपको प्रेस करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अकाउंट एंड ऐप के ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको चेंज अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको चेंज अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर प्रेस करना है। फिर देन यहाँ पर ऊबर डिलीट ऊबर अकाउंट का ऑप्शन है। ठीक है, डिलीट ओबर अकाउंट, ये वाले ऑप्शन पे आपको प्रेस करना रहेगा, लास्ट थर्ड वन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर फिर ऐसा आपको ये विजिट डिलीट योर ओबर अकाउंट, ये लिंक है। ओके, वेबसाइट का लिंक जिससे आप ऐसा क्या है अपना ओबर का ड्राइवर अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वो लिंक के ऊपर मैं प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रेस करने के बाद में देखिए, यहाँ पर एक क्रोम ब्राउज़र में ये ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ पर वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपका जो भी ऊबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो इसके अंदर आपको डालना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ऊबर का वो यहाँ पर आप डाल लीजिए। यहाँ पर डालने के बाद में आपको नीचे जस्ट कंटिन्यू करना रहेगा। कंटिन्यू करने के बाद में सो आपको फोर डिजिट का OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। ठीक है, वो यहाँ पर इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना रहेगा, जो भी आपके जो आईडी का पासवर्ड है वो आईडी का पासवर्ड, या फिर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लास्ट के 6 डिजिट से भी अपना आईडी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के 6 डिजिट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर लॉगिंग विथ ईमेल, आपका जो जीमेल जो रजिस्टर्ड जीमेल है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए सेकेंड वन ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके मेल पे ऐसे 4 डिजिट का OTP जाएगा, वो OTP आपको एंटर करना है। अगर आपके विदाउट अगर फॉरगॉट पासवर्ड का भी आपको वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा कि कैसा पासवर्ड को रीसेट करें। ओके, फॉरगॉट पासवर्ड करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OTP आपको यहाँ पर इसके अंदर डाल लेना है। ठीक है, आपके मेल पे OTP आया, फिर ऐसे उसको चेक करके यहाँ पर इंसर्ट कर देना है OTP। यहाँ पे देखिए चेक कर लेते हैं, पूरा हटा लिया है यहाँ पे, और आप यहां पर OTP डाल लेते हैं। ओके, 48 का OTP जीमेल पे आपके जीमेल के ऐप में आता है। ठीक है, ऊबर से की तरफ से। यहां पे करने के बाद में कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करना है। यहां पे देखिए हमारा प्रोफाइल खुल गया है। यहां पे नेम बता रहा है, यहां पे ऊबर राइडर यानी कि ऊबर पैसेंजर में कितने ट्रिप्स कराए हैं आपने, 21 ट्रिप्स आपने लिया है ऊबर राइडर में यानी कि पैसेंजर में। ठीक है, ऊबर ईट्स में कितना करा है और ऊबर ड्राइवर में कितना करा है। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर पूरा स्टेटस बताएगा। ठीक है, आपने कितने बुकिंग्स किया, कितने राइड्स लिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको जस्ट यहाँ पर नीचे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर बता रहा है देखिए आपको, अगर आप 30 डेज के अंदर आप फिर से इसको लॉगिंग कर लेते हैं तो फिर से वो रिसेट हो जाएगा, फिर से आ जाएगा अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा भी एक रीज़न देख के यहाँ पर डिलीट अकाउंट के ऊपर प्रेस कर देना है। ठीक है, डिलीट अकाउंट के ऊपर प्रेस कर देने के बाद में आपको यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, हटने के बाद में यहाँ पर देखिए हट गया आपका आईडी। हटने के बाद में यहाँ पर देखिए कैसा डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रीज़न देना है आपको, नो लॉन्गर नीड अकाउंट, या फिर आपका कुछ भी रीज़न है यहाँ पर आपको रीज़न दे देना है इसके अंदर। देने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, लॉग आउट होने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, आप क्या ऊबर का ड्राइवर ऐप ओपन करना है यहाँ पे, जिसमें ऐसा आपका आईडी लॉगिंग है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो ऑटोमेटिक आईडी भी ऐसा यहाँ से लॉग आउट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, लॉग आउट हो गया मींस यहाँ पर आपका वो ड्राइवर अकाउंट डिलीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको फिर से वो अकाउंट चाहिए तो आप यहाँ पर लॉगिंग करेंगे तो फिर से अकाउंट वो रिकवर हो जाएगा, यानी कि फिर से आप करें आ जाएगा ऊबर का ड्राइवर अकाउंट। ठीक है गाइस, तो यहाँ ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।